हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन रेसिपी। आप लोग देख ही रहे हो, ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन के रेडी हुआ है। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट तंदूरी चिकन आप लोग घर में कैसे बना सकते हो, उसका रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, एकदम सामने से भी दिखा रही हूँ, आप लोगों को भी देख के खाने का मन कर रहा होगा। तो देर किस बात की, आज ही घर में बना लीजिए बहुत इजीली। ये देखिए, मैं पहले यहाँ पे चिकन को जो पीसेस है उसको ऐसे काट रही हूँ। कैसे घर में चिकन के लिए, तंदूरी चिकन के लिए उसको काट लगाना है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए, ऐसे काट लेने से इसके अंदर जो मसाला है बहुत अच्छे से इसके अंदर जाते हैं और अच्छी होती है तंदूरी चिकन। तो ऐसे मैं काट लगा रही हूँ, तो ऐसे पहले काट लगा लेना है पीसेस को। लेग पीस तंदूरी चिकन में बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने लेग पीसेस लिया हूँ। ये देखिए, मैंने काट लिया और एक मैं काट रही हूँ। ये देखिए, दो लेग पीस मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसका काटने का तरीका भी घर में आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग भी सेम बना सको। तो मैंने काट लिया है, ये देखिए पीसेस को ऐसे। तो अब इसमें मैं मसाला के साथ मैरिनेट करके दिखाती हूँ। आज का जो ये तंदूरी चिकन है, ये मैं कढ़ाई और गैस में ही बनाऊँगी, कोई भी तंदूर का यूज़ नहीं करूँगी। पहले मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, काला मिर्च पाउडर आप लोग, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने दे दिया कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप लोग को रेड चिली पसंद है तो रेड चिली भी दे सकते हो। थोड़ा सा मैंने यूज़ किया एकदम चुटकी भर चिकन मसाला। ये इजीली आप लोगों के घर में अवेलेबल होगा जो मसाला मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो कितना इजीली जो अवेलेबल मसाला है इससे ही मैं बना रही हूँ। और ये खाने में आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई करना, सेम टू सेम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा। मैंने दे दिया दो चम्मच, बड़ा दो चम्मच दही ऐड करना है हमें इसमें। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कैसा बना था। आप लोगों की कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहती है मुझे। तो अब इसको बहुत अच्छे से मैं हाथ की मदद से ही इसका मैरिनेट करूँगी कि बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो, क्योंकि तंदूरी चिकन की मैरिनेशन ही मेन होता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मसाला इसमें अच्छे से घुसे, तो उसी हिसाब से मैं इसमें देखिए मैरिनेट कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट करना है कि मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर तक जाए और टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो ये देखिए, मेरा मैरिनेट हो गया। अब इसको रूम टेम्परेचर में ही मैं आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इसको मैं फ्रीजर में नहीं रखूँगी, रूम टेम्परेचर में ही मैं छोड़ दूँगी आधा घंटे के लिए। इसको एक साइड में ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से मैरिनेट हुआ है मसाला, देखिए कितना अच्छा। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मैरिनेट के बाद ये थोड़ा सा ऐड करके मैं फिर से ढक दूँगी। ये देखिए, सरसों का तेल जो था मैंने ऐड कर दिया। इसमें भी जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी आती है। तो आधा घंटा बाद मैं इसको अब बनाऊंगी।
तंदूरी, तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच बटर ऐड कर दिया। बटर को अच्छे से लगा लेंगे कढ़ाई में। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी चिकन को मसाला के साथ, तो चिकन की पीसेस को इसमें डाल देना है। ये देखिए एक एक करके, और यहाँ पे मैं ऊपर से और एक बार थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ। मसाला अच्छे से लगने के लिए मैं और थोड़ा मसाला इसके अंदर डाल दिया, तो चिकन की पीसेस को सब इसमें रख देंगे कढ़ाई के अंदर। डाल देते हैं सारे चिकन की पीसेस को। मैंने लो फ्लेम पे ही रखी हूँ गैस को। अब इसको मैं ढक दूँगी कि अच्छे से ये पहले नरम हो जाए, जो चिकन है ये अच्छे से नरम भी होना चाहिए। तो मैं ढक के पकाऊँगी, इसमें से पानी भी निकलेगा। ये देखिए पानी भी निकल रही है, इसको फिर से ढक देना है। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हो कितना इजी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तंदूरी चिकन की, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। जो लोग तंदूरी चिकन बहुत ही फेवरेट है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग घर में ही इस तरीके से ट्राई करना। ये देखिए मैं पलट दिया एक दो बार और ये सूखा हो गया है। अब इसको क्या करना है, हमें गैस में थोड़ा बर्न करना है। ये चिकन की पीसेस जब तक आप डायरेक्ट आग में नहीं रखोगे, जो तंदूरी चिकन का फ्लेवर है, जो मीट जल के जो फ्लेवर होती है चिकन का तंदूरी, तो वो फ्लेवर नहीं आती है। तो इसीलिए गैस में इसको जब अच्छे से पक जाए तो उसको गैस की फ्लेम पे इसको अच्छे से जला लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा। अब मैं इसमें दूंगी जो तंदूर का फ्लेवर आने के लिए चारकोल, तो यहाँ पे मैंने एक जो कोल का पीस जला लिया और इसको डाल दूंगी डायरेक्ट चिकन के ऊपर और इसको ढक दूंगी कि इसका जो फ्लेवर है चिकन के अंदर जो फ्लेवर है वो अच्छे से कोल का चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो इसको मैं अब सर्व करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आज घर में पुदीने की चटनी भी बनाई थी सर्व के लिए, और प्याज को मैं काट दिया और यहाँ पे मैं सजा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तंदूरी चिकन यहाँ पे सर्व कर दिया और ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक भी आई है, और ये खाने में भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बना था, जो आप लोग बहुत अच्छे से खाते हो, जिनको बहुत ही पसंद है तंदूरी चिकन, एकदम सेम स्टाइल बनेगा। आप लोग एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। और अगर पसंद आए रेसिपी तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। और जो न्यू फ्रेंड मेरे वीडियो देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो दूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।